अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे से तैयारा। और यार आज की रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक हैगी, बस क्या ही बताऊं। बाकी वीडियो को आगे लेके चलते हैं फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दें। मकसद कहने का ये है दोस्तों कि जो है ना, ये देखें, आपको देखें ये पिंजरा आ गया हमारा सही। अब इसके अंदर से चेक करें मोगला कैसा खुला हुआ है। भाई पूरी टीन उड़ गई है छत की, और कबूतर वगैरह अंदर ही बैठे हुए थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कबूतर पूरे होंगे। बाकी एक सीन और रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखा तो सकता नहीं हूँ लेकिन बताऊंगा ज़रूर। बाकी ये टीन चेक करें, हमारी टीन जो है ना वहाँ पे पड़ी हुई है दोस्तों नीचे वाली छत पर। ये देखें ये पड़ी हुई, यहाँ पर उड़ के आइए दोस्तों, यहाँ से ना नीचे बाकी कबूतर वगैरह घूम रहे हैं। मैं ज़रा टीम विन लगा दूं, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं और फिर आपसे बात भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार टीम वगैरह तो लगा ही लूँगा, लेकिन पहले आपसे बात कर लूँ। यार एक दोस्त है का हमारा ना, बहुत अच्छा कबूतर बाज है का। उसने जैसे आजकल जो फ्लैट जो चल रहे ना 7 मंजिल के 8 मंजिल के, उसने इसी तरीके के फ्लैट पर ना 7 मंजिल के फ्लैट पर कबूतरबाजी कर रहा है वो, और काफ़ी टाइम से कर रहा है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ भाई कि जो है ना, उसकी छत पे जो है ना फ्लैट तो है लेकिन जो है ना दीवारें नहीं हैं। तो दीवारें नहीं हैं, उनने टंकी के साथ ना ऐसी ना जाल बना दिया था ऐसे, और ना एक ना डोरी बांधी थी चारों तरफ से, एक डोरी सिर्फ चारों तरफ से एक डोरी बांधी थी ताकि जाल जो है ना कहीं हिले जुले नहीं। अब वो कल बारिश ऐसी हुई, देख सकते हैं हमारी टीन उड़ गई, उस बेचारे का पूरा जाल ही उड़ गया। तकरीबन 75-80 कबूतर थे, उसमें से 44 कबूतर मिले जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सिर्फ और सिर्फ 44 कबूतर मिले, बाकी सारे कबूतर बिल्ली खा गई, मर गए कुछ। क्योंकि पिंजरा जब 7.5 मंजिल से नीचे जाएगा गली में, तो सोच लें आप लोग क्या होगा। तो भाई यही सीन हुआ है। बाकी कबूतर वगैरह चेक करें, अल्लाह पाक अपना करम करे भाई सब पे। तो देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ पिंजरे पर ना, और मैंने वहाँ से टीन उठाई, यहाँ पर पड़ी हुई थी सहियों के पास ना नीचे, और मैंने लगा दी, पूरा जाल पैक कर दिया भाई। अभी तो जैसे तैसे करके जुगाड़ू काम पे, लेकिन यार इतना मज़बूत जाल है कि हम लोग इसके ऊपर चढ़ के कबूतरबाजी करते हैं। अभी भी मैं देख सकते हैं आप लोग ऊपर ही चढ़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भाई इसके ऊपर से टीने उड़ गई, पत्थर उड़ गए, ईंटें बड़ी बड़ी, समझ में नहीं आया कैसे उड़ गई। बाकी ये वाली टीन उड़ी थी जो कि मैंने लगा दी है, यहाँ से पूरा मोगला खुल गया था, लगा दिया। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी आगे का दोस्तों पता नहीं। बाकी अल्लाह पाक अपना करम करे भाई, हमदा भाई को सब्र दे, क्योंकि हमदा भाई का इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनके कबूतर वगैरह उड़ गए, गिर गए, मर गए। यार पिंजरे समेत इतना ख़तरनाक सीन हुआ, यानी कि इतनी ख़तरनाक बारिश थी कि कबूतर पिंजरे समेत उड़ाए। अब आप सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक सीन होगा कि तकरीबन 150-200 कबूतरों का पिंजरा, उसके अंदर 70-75 कबूतर, और वो पिंजरे समेत उड़ाए। तो पट्टे खोल दिए हमने, भूरी भाई उड़ा रहे हैं इनको, यानी भाई के कबूतर गए भाई। हटो भूरी, हटो हटो हटो, लश्कर जर्रार उठ गया चारों तरफ से, आओ। दोस्तों देख सकते हैं सामने ही पल्ला खुल गया हमारे, ए उठा अपना पट्टा जा रहा, उठा हटो। अबे तू चुप रहे, अपना पट्टा भी निकल गया है। आ ए भाई का ओए, उठ गया पट्टा, उठ गया, उठा कबूतर। हटो हटो, आ ए ए आ आ ए आ अम्मी, हमारा वाला पट्टा फेंक लिया। हाँ रुक जाओ, अड़िया आप साइड पे बैठ गया 2 मिनट। जी आ गया, उतारिए। आओ खा दो खा दो।
दोस्तों देख सकते हैं तसादुम कुश्ती हो गई थी, बड़ी खतरनाक। और इसमें से एक अनी भाई का कबूतर भी बैठ गया, वो भी नपता। एक अनी भाई का कबूतर बैठा हुआ है दोस्तों, ये बैठा हुआ। चप्पा मारेंगे। ओफो। अभी चप्पा मारते हैं, देखें दोस्तों। अब फिर फिर फिर। तो देख सकते हैं दाना वगैरह पिला दिया और शौक देखें कितने बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गया भाई। ईंधन पे बहुत बड़ा शौक है। बाकी यार बताने का मकसद यही था कि यार हमदा भाई का बहुत बड़ा अफसोस हुआ मेरे को कि इतना बड़ा नुकसान हो गया उनको, पूरा का पूरा जाली उड़ गया। एक हैरत होती है भाई बंदे को जो बात है, मेरी भी पूरी टीम उड़ गई थी। बाकी अल्लाह पाक करम करे भाई। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कर देंगे और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें। आज तक की वीडियो यहीं तक की थी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। बाकी और आप लोगों को क्या देखना पसंद है जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बता दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और एक लाइक तो बनता ही है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।